पैनिक न करें, हां सावधान रहे, सतर्क रहे, मास्क उसका भरपूर उपयोग करें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना, इन बातों को हमें भूलना नहीं है। आज जब वायरस म्यूटेट हो रहा है तो हमारी चुनौतियों का सामना करने की ताकत और आत्मविश्वास भी मल्टीप्लाई हो रहा है। हमारी इनोवेटिव स्पिरिट भी बढ़ रही है। आज देश के पास 18 लाख आइसोलेशन बेड्स हैं, 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं, 1,40,000 आईसीयू बेड्स हैं, आईसीयू और नॉन आईसीयू बेड्स को मिला दें तो 90,000 बेड्स विशेष तौर पर बच्चों के लिए भी हैं। आज देश में 3,000 से ज्यादा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स काम कर रहे हैं, 4,00,000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स देश भर में दिए गए हैं। राज्यों को जरूरी दवाओं की बफर डोज तैयार करने में सहायता की जा रही है, उन्हें पर्याप्त टेस्टिंग किट्स भी मुहैया कराई जा रही है। साथियों, कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ाई का अब तक का अनुभव यही बताता है कि व्यक्तिगत स्तर पर सभी दिशा निर्देशों का पालन कोरोना से मुकाबले का बहुत बड़ा हथियार है। और दूसरा हथियार है वैक्सीनेशन। हमारे देश ने भी इस बीमारी की गंभीरता को समझते हुए बहुत पहले वैक्सीन निर्माण पर मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया था। वैक्सीन पर रिसर्च के साथ साथ ही अप्रूवल प्रोसेसेस, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेनिंग, आईटी सपोर्ट सिस्टम, सर्टिफिकेशन पर भी हमने निरंतर काम किया। इन तैयारियों का ही नतीजा था कि भारत ने इस साल 16 जनवरी से अपने नागरिकों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया था। ये देश के सभी नागरिकों का सामूहिक प्रयास और सामूहिक इच्छा शक्ति है कि आज भारत 141 करोड़ वैक्सीन डोज के अभूतपूर्व और बहुत मुश्किल लक्ष्य को पार कर चुका है। आज भारत की वयस्क जनसंख्या में से 61% से ज्यादा जनसंख्या को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। इसी तरह वयस्क जनसंख्या में से लगभग 90% लोगों को वैक्सीन की एक डोज लगाई जा चुकी है। आज हर भारतवासी इस बात पर गर्व करेगा कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विस्तारित और कठिन भौगोलिक स्थितियों के बीच इतना सुरक्षित वैक्सीनेशन अभियान चलाया। कई राज्य और विशेष तौर से टूरिज्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य जैसे गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे राज्यों ने 100% सिंगल डोज वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। आज देश के दूर सुदूर गांवों में जब
जब शत प्रतिशत वैक्सीनेशन की खबरें आती हैं तो मन को संतोष होता है। यह प्रमाण है हमारे हेल्थ सिस्टम की मजबूती का, हमारी टीम डिलीवरी का, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के डेडिकेशन और कमिटमेंट का, और देश के सामान्य मानवीय के अनुशासन और विज्ञान में उनके विश्वास का। हमारे देश में जल्दी ही नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन भी शुरू होगी। साथियों, कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई शुरू से ही वैज्ञानिक सिद्धांतों, वैज्ञानिक परामर्श और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित रही है। पिछले 11 महीने से देश में वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। देशवासी इसके लाभ भी महसूस कर रहे हैं। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी सामान्य हो रही है। आर्थिक गतिविधियां भी दुनिया के कई देशों की तुलना में उत्साहजनक रही हैं। लेकिन साथियों, हम सभी जानते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है। ऐसे में सतर्कता बहुत जरूरी है। देश को सुरक्षित रखने के लिए, देशवासियों को सुरक्षित रखने के लिए हमने निरंतर काम किया है। जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो उसमें भी वैज्ञानिक सुझावों के आधार पर ही ये तय किया गया कि पहली डोज किसे देना शुरू किया जाए, पहली और दूसरी डोज में कितना अंतराल हो, स्वस्थ लोगों को कब वैक्सीन लगे, जिन्हें कोरोना हो चुका है उन्हें कब वैक्सीन लगे, और जो कोमॉर्बिडिटी से ग्रस्त हैं उन्हें कब वैक्सीन लगे। ऐसे निर्णय लगातार किए गए और ये परिस्थितियों को संभालने में काफी मददगार भी साबित हुए हैं। भारत ने अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार भारत के वैज्ञानिकों के सुझाव पर ही अपने निर्णय लिए हैं। वर्तमान में ओमिक्रॉन की चर्चा जोरों पर चल रही है। विश्व में इसके अनुभव भी अलग अलग है, अनुमान भी अलग अलग है। भारत के वैज्ञानिक भी इस पर पूरी बारीकी से नजर रखे हुए हैं, इस पर काम कर रहे हैं। हमारे वैक्सीनेशन को आज जब 11 महीने पूरे हो चुके हैं तो सारी चीजों का वैज्ञानिकों ने जो अध्ययन किया है और विश्व भर के अनुभवों को देखते हुए आज कुछ निर्णय लिए गए हैं। आज अटल जी का जन्मदिन भी है, क्रिसमस का त्योहार भी है, तो मुझे लगा कि इस निर्णय को आप सबके साथ साझा करना चाहिए। साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हैं हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। साथियों, हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं,
इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। साथियों, कोरोना वैक्सीन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर के सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। साथियों, मेरा एक आग्रह है कि अफवाह, भ्रम और डर पैदा करने के जो प्रयास चल रहे हैं उनसे बचना चाहिए। हम सभी देशवासियों ने मिलकर अब तक दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया है। आने वाले समय में हमें इसको और गति देनी है और विस्तार देना है। हम सभी के प्रयास ही कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में देश को मजबूत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।